का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच विद कृष्णा में। दोस्तों हम आज देखेंगे न्यूज़पेपर के जरिए आप अंग्रेजी कैसे सीखेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। हेडिंग है टू हेल्ड फॉर किलिंग वुमेन। टू हेल्ड फॉर किलिंग वुमेन यानी दो व्यक्ति को पकड़ा गया वुमन को मारने के लिए, यानी महिला को मारने के लिए। मॉम यानी मॉम को भी। ओवर प्रॉपर्टी लॉ, ओवर प्रॉपर्टी रो यानी संपत्ति विवाद को लेकर किसको, वुमेन और उसके माँ को मार दिया गया, जिसके कारण दो लोगों को पकड़ा गया है। हेल्ड, चलिए देखते हैं न्यूज क्या है। पुलिस ऑन सैटरडे अरेस्टेड ए 40-year-old मैन फॉर किलिंग हिज सिस्टर इन लॉ, ब्रदर्स वाइफ एंड हर मदर ओवर ए प्रॉपर्टी डिस्प्यूट इन ए विलेज नियर उरला इंडस्ट्रियल एरिया ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ रायपुर। हिज फादर वॉज ऑल्सो अरेस्टेड। देखिए पुलिस यानी पुलिस ने शनिवार को, पुलिस ऑन सैटरडे यानी पुलिस ने शनिवार को अरेस्टेड यानी अरेस्ट किया किसको, ए 40-year-old मैन यानी 40 साल के एक आदमी को, फॉर किलिंग हिज सिस्टर इन लॉ यानी उसके अपने भाभी को मारने के लिए। सिस्टर यानी भाभी यानी ब्रदर्स वाइफ यानी भाई की पत्नी यानी भाभी को। एंड हर मदर और उसके माँ को यानी भाई के पत्नी थी उसकी माँ को भी मारने के लिए। ओवर क्यों मारा, ओवर ए प्रॉपर्टी डिस्प्यूट यानी जमीनी संपत्ति विवाद को लेकर। इन ए विलेज नियर उरला इंडस्ट्रियल एरिया, कहाँ पे, उरला इंडस्ट्रियल एरिया के नज़दीक। ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ रायपुर, रायपुर के सीमावर्ती क्षेत्र में उरला इंडस्ट्रिया के नज़दीक यह घटना घटी। हिज फादर वॉज ऑल्सो अरेस्टेड, उसका पिता भी गिरफ्तार कर लिया गया। वॉज अरेस्ट वॉज ऑल्सो अरेस्टेड यानी देख क्या है, पैसिव, पास्ट इंडिपेंडेंस का पैसिव है, कर लिया गया पुलिस के द्वारा। रायपुर सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अजय कुमार यादव टोल्ड द पायोनियर डैट बोथ भगत राम टंडन 40 एंड हिज फादर राम सहाय टंडन हैव बीन चार्ज बीट मर्डर। देखिए रायपुर सीनियर सुप्रिंटेंडेंट एसपी पुलिस एसपी है क्या अजय कुमार यादव ने कहा पायोनियर जो न्यूज़पेपर वाले हैं पायोनियर की डैट बोथ भगत राम एंड टंडन हिज फादर राम सहाय, देखिए बोथ दोनों को, जैसे भगत राम टंडन जो 40 साल के हैं और उसके पिता हिज फादर राम सहाय टंडन जो 80 साल के हैं, हैव बीन चार्ज विद मर्डर, उसे क्या मर्डर के आरोप लगाया गया है, उस पर मर्डर का आरोप लगा है। दे हैड ए रनिंग डिस्प्यूट ओवर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। देखिए उन लोगों के क्या था, दे वे लोग हैड उन लोगों के था क्या, रनिंग डिस्प्यूट एक चलता हुआ विवाद था किसको लेकर, पूर्वजों को संपत्ति को लेकर। डिस्प्यूट ओवर एन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था, रनिंग ए डिस्प्यूट। ऑन सैटरडे यानी शनिवार, ऑन सैटरडे मॉर्निंग भगत राम इंटर्ड इन टू ए एर्गूमेंट विथ हिज सिस्टर इन लॉ सुनीता ओवर कंस्ट्रक्टिंग ए सेप्टिक टैंक आउटसाइड हर हाउस। देखिए ऑन सैटरडे मॉर्निंग यानी शनिवार सुबह भगत राम इंटर्ड किया इंटू एन एर्गूमेंट यानी बहस को स्टार्ट कर दिया। बहस स्टार्ट हो गया किसके साथ, विथ हिज सिस्टर इन लॉ यानी भाभी के साथ बहस चालू हो गया। कौन थी भाभी, सुनीता। क्यों चालू हुआ, ओवर कंस्ट्रक्टिंग ए सेप्टिक टैंक आउटसाइड हर हाउस यानी अपने घर के बाहर एक क्या, सेप्टिक टैंक यानी शौचालय टंकी को बनाने को लेकर क्या था, बहस छिड़ गई। ड्यूरिंग द रो यानी विवाद के दौरान ही अटैक्ड सुनीता विथ ए स्पेड, विवाद के दौरान उसने वो व्यक्ति ने क्या था, उसके देवर यानी बेदेवर थे वो, ही अटैक्ड सुनीता विथ ए स्पेड, उन्होंने कुदाल से सुनीता पर अटैक कर दिया, हमला किया। बेन सुनीताज मदर कमला वाई जेंड ट्राई टू स्टॉप हिम, जब उस औरत की माँ क्या थी, कमला बाई यानी उसकी भाभी की माँ कमला बाई जेंडर ट्राई टू स्टॉप हिम, उन्हें रोकने की कोशिश की, ट्राई टू स्टॉप हिम। भगत राम अटैक्ड हर टू इन ए फिट ऑफ रेज और भगत राम उस पर भी गुस्से में हमला कर दिया।
बोथ वोमन बेयर किल्ड, दोनों महिला मारे गए। बोथ वोमेन बेयर किल्ड, दोनों महिला मारे गए। उसके बाद क्या है, द विलेजर्स इन्फॉर्म्ड द पुलिस, यानी गांव वाले ने पुलिस को सूचना दी। हु अरेस्टेड भगत राम, हिज फादर वॉज ऑल्सो टेकन इन टू कस्टडी फॉर इन्वेस्टिगेटिंग हिज सन। द विलेजर्स इन्फॉर्म्ड द पुलिस, यानी गांव वाले ने पुलिस को सूचना दी। हु जो अरेस्टेड भगत राम, जो उन्होंने भगत राम को अरेस्ट कर लिया। हिज फादर वॉज ऑल्सो टेकन इन कस्टडी फॉर इन्वेस्टिगेटिंग हिज सन, और उसके पिता को भी पुलिस के हिरासत में ले लिया गया अपने बेटा को उकसाने के लिए। क्यों, फॉर इन्वेस्टिगेटिंग हिज सन, यानी बेटा को उस उकसाने के लिए, एक काम करने के उकसाने के लिए, इस काम कृत्य को करने में उकसाने के लिए उसको पिता को भी गिरफ्त कर लिया गया। तो दोस्तों आई होप यह वीडियो पसंद आया होगा। आप इस प्रकार से अंग्रेजी के न्यूज़पेपर से इंग्लिश कर सकते हैं धीरे धीरे प्रैक्टिस करके, और अपना इंग्लिश भी इम्प्रूव और अच्छी कर सकते, बेहतरीन बना सकते हैं। तो दोस्तों आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।